नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अरावली जिले में मुड़ासा कल्याण चौक, अवधूत सेवा ट्रस्ट, न्यू यूनिवर्सल डेवलपमेंट ट्रस्ट, जनकार ट्रस्ट साकरिया आयोजित त्रिदिवसीय गीता भागवत सत्संग समारोह महंत श्री स्वामी भाविशानंद जी महाराज के सानिध्य में सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर श्री कृष्णा उनके बताए हुए सिद्धांतों की राय बताई गई। सनातन धर्म में आपस में जाति पाति में भाईचारा बना रहे, बिना भेदभाव किए हुए धर्म में बताए गए धर्म के लक्षणों पर चलें। सनातन धर्म वेद वेदांग उनके राय के पथ पर अग्रसर बढ़ता रहे, ऐसे सिद्धांतों पर पूज्य महंत श्री ने विचार विमर्श करते हुए समझाते हुए अपने श्रोताओं को भावपूर्वक सत्संग किया गया। इस कार्यक्रम में मुड़ासा देवराज धाम के महंत श्री धनगिरी बापू की विशेष उपस्थिति में दीप प्रकट किया गया। महंत श्री लक्ष्मण भारती बापू, महंत श्री बालकनाथ साहब, महंत श्री धर्मेंद्र नाथ योगी, मुड़ासा विधानसभा प्रत्याशी श्री भिखु सिंह परमार, मुड़ासा नगर पालिका के प्रमुख जलवाबेन भावसार, महत्वपूर्ण मेहमानगण की उपस्थिति में कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुड़ासा, मालपुर, बायड़, मेघरज, भिलोड़ा सहित श्रोताओं के विशेष उपस्थिति में संत दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। अब स्वधर्म कौन सा, यहाँ हिंदू मुसलमान वाले धर्म की बात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म तो केवल हमारा ही है, हिंदू सनातन धर्म। बाकी के जो धर्म हम कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो एक मत है, एक कबीले हैं। कबीलाई नियम कायदा जैसा होता है, चोरी लूटपाट खाना बदोशी, एक दूसरे के कबीले में जाकर आक्रमण करना और वहाँ से खाने पीने की चीज़ें चुननी, ये खाना बदोश लोगों का एक कबीला और उसके अपने उन कबीलों के कबीलाई नियम, उसको हम धर्म मान ले तो हमारी। अवधूत सेवा ट्रस्टना माध्यम थी 3 दिवसनो गीता भागवत सत्संग मोड़ासामा योजायेलो हतो। आनो उद्देश्य ए हतो के सनातन धर्मनु क्यांक ने क्यांक पतन थई रह्यु छे अने एनु रक्षण कई रीते करी शकाय ए भगवान कृष्णना शब्दों में एमना सिद्धांतों समझावा माटे अमे आव्या था अने उद्देश्य सफल रह्यो।